डिस्कस करते हैं। देखो, चाइना की एक कंपनी थी, उसका रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट है वो भारत के कोस्ट के काफी करीब था, और इंडिया इसको पिछले लगातार 3 साल से हम इसको अपोज कर रहे थे। फाइनली हमें यहाँ पे सक्सेस मिल गई है और चाइना को हमने यहाँ पे आउट कर दिया है, और इंडिया की जो कंपनी है उसको ये प्रोजेक्ट मिल गया है। क्योंकि जहां पे श्रीलंका में ये एनर्जी प्रोजेक्ट चाइना की कंपनी लगा रही थी, वो तमिलनाडु कोस्ट से मात्र 50 किलोमीटर दूर था, और वो पूरा का पूरा हमारा जो साउथ इंडिया है उसके लिए सिक्योरिटी कंसर्न हो जाते, स्ट्रेटेजिक इम्पीरेटिव भी उसके थे, क्योंकि बहुत सारे स्पेस स्टेशन, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे साउथ इंडिया के अंदर है। तो चाइना का इतना क्लोज आना, दैट वाज नॉट गुड। एंड इसीलिए ये जो आपको जाफना पेनिनसुला दिख रहा है, ठीक है, इसके पास आपको ये डेल्फ आइलैंड दिखेगा, और यहाँ पे एक दो आइलैंड और हैं। तो यहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट ये लगाए जाने हैं। इसके लिए चाइना की एक कंपनी है जिसको कि ये फाइनल दे दिया था इसने, श्रीलंका ने वो कॉन्ट्रैक्ट, श्रीलंका ने दे दिया था चीन की कंपनी को। ओके, साइनो ये जो जॉइंट वेंचर है चाइना के साथ, ये फाइनल हो गया था। इंडिया इसका विरोध कर रहा था लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। अभी इंडिया के पास ये आ गया है, जैसा आप देखेंगे, यू हैव दिस। तो ये श्रीलंकन मिनिस्टर है, उनका ट्वीट आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने थैंक यू कहा है भारत सरकार को कि इस तरीके से। अब इंडिया ने ये चाइना से प्रोजेक्ट छीना कैसे, उसकी अगर हम बात करें तो इंडिया ने कहा कि देखो, आपको चाइना की जो कंपनी के साथ आप प्रोजेक्ट बना रहे थे, है ना, उसके अंदर आपका ये था कि आपको लोन दिया जाएगा। हम यहाँ पे लोन नहीं दे रहे, हम आपको ग्रांट दे रहे हैं। $11 मिलियन की ग्रांट यहाँ पे भारत सरकार दे रही है। इतना सारा जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो जिस जिन आइलैंड पे ये प्रोजेक्ट बन रहे थे जहाँ पे चीन की कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता, वो भारत के बहुत क्लोज हो जाती, ठीक है, इतना क्लोज हो जाती जैसे बिल्कुल तमिलनाडु से 50 किलोमीटर दूर। इसलिए इंडिया इसको अपोज कर रहा था, बट फाइनली यहाँ पे हमें सक्सेस मिली है। ठीक है, चाइना इससे नाराज है, और चाइना वैसे क्रिटिसाइज करता नहीं है श्रीलंका को, लेकिन यहाँ पे चाइना ने श्रीलंका को क्रिटिसाइज किया है कि आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं जो चाइना आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, आपने उनको नाराज किया है, ये है वो है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, श्रीलंका को जहाँ फायदा दिखा वहां पे वो चला गया, तो हमने इसको ग्रांट ऑफर की और इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। वो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। और इसमें जो प्रिलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो है ये आइलैंड ग्रुप्स। ओके, तो ये डेल्फ्ट आइलैंड है श्रीलंका का, देन वी हैव दिस नैना थीवू, ये तीनों नाम लिखे हुए हैं, नालाई थीवू, नैना थीवू, एंड यू हैव दिस डेल्फ्ट आइलैंड एंड नुदुन थीवू। तो ये चार आइलैंड ग्रुप्स हैं, इनके नाम याद रख लेना, मैप बेस्ड लोकेशन एटसेट्रा में इसको पिक कर सकता है, ठीक है। तो रट्टा मारने वाली चीज है, आईआर के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की चीजें पूछ रहा है, और ये सब आते हैं जाफना पेनिनसुला के अंतर्गत, जो अभी हमने मैप देखा था ना, ये इसके आसपास वाला जो पूरा एरिया है यहाँ पे है। गेटिंग दिस, इसको किस तरीके से लिंक करोगे? देखो, यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट भारत की कंपनी बना रही है, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट होगा, मतलब इसमें सोलर पैनल भी लगे हुए हैं और यहाँ पे विंड टर्बाइन्स भी लगी हुई है, ठीक है। तो हाइब्रिड आपका रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर ये सोलर पावर, बैटरी पावर, डीजल का बैकअप भी इसमें रखा गया है। क्लियर? ऑलरेडी इंडिया का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, एनर्जी प्रोजेक्ट वो चल रहे हैं, एनटीपीसी का चल रहा है, अडानी का चल रहा है, ये थर्ड प्रोजेक्ट हो जाएगा जो इंडिया की किसी भी कंपनी द्वारा श्रीलंका में चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें अच्छी बन रही हैं। ओके, और इसको अगर आप लिंक करके देखोगे तो चाइना की जो एक डेट ट्रैप पॉलिसी है, जो बिल्ट एंड यू हैव दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI इनिशिएटिव, जो 2013 में 2013 में शी जिनपिंग ने शुरू किया, उसके अंतर्गत ये था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, आपके देश में। तो श्रीलंका भी उसके झांसे में आया, श्रीलंका ने कहा चलो हम भी करते हैं, गेटिंग दिस। और फिर जब वो प्रोजेक्ट बन के तैयार हुए तो वहां पे कोई रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया बट वहां पे अर्निंग नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन बना, आपको पता ही है श्रीलंका पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस में जा चुका था, अभी धीरे धीरे IMF की हेल्प से, भारत की हेल्प से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे तो श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के काफी सारे रीजन थे, श्रीलंका सरकार की नीतियां हैं और है एकदम से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो जाना, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि आपने ऐसे प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च किया और एक्सटर्नल डेट, विदेशों से ऋण लिया बहुत सारा ना, दैट वाज वन ऑफ द रीजन। श्रीलंका एक तरह से बैंकक्रप्ट ही हो गया था, अभी IMF और इनसे मदद लेके अपना काम चला रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से चाइना जो है ना, जियो पॉलिटिकल सेंस में
देशों को मजबूर करता है, ओके, उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज करता है कि भैया आप अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि हमने इतना उधार दे रखा है, हम जैसे कहेंगे वैसे मानना पड़ेगा। तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि इंडिया के तो बिल्कुल लगता हुआ है, इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उस पर एक तरह का तमाचा मान लीजिए, है ना, या फिर हमने चाइना को यहाँ पे काउंटर करके अच्छा एक इनिशिएटिव ये किया है। हालांकि 11 मिलियन डॉलर का ग्रांट तो इन्वॉल्व है। ग्रांट और लोन में फर्क जानते हो ना, लोन होता है कि आपको वापस लौटाना है, ग्रांट है कि आपको मिल गया, आपको वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द थिंग, चाइना इज ट्राइंग टू फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर डेट ट्रैप ओके डिप्लोमेसी इन अदर कंट्रीज एज वेल। यू हैव दिस घाना और बहुत सारे अफ्रीकन नेशन है वहां पे ये अपना चला रहा है, नेपाल के अंदर ऐसा प्रयास कर रहा है, बांग्लादेश में भी कोशिश इसकी है लेकिन बांग्लादेश झांसे में नहीं आ रहा है, नेपाल जो है थोड़ा सा फिसलता हुआ हमें दिख रहा है। फाइन, जो नए बच्चे हैं श्योर आई एस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आंसर राइटिंग सेगमेंट में आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग आपको चीजें मिलती है, करंट अफेयर में करंट अफेयर PDF। अभी आपके दो कोर्सेज चल रहे हैं, पूरा जो प्रिलिम्स का करंट अफेयर कोर्स है दैट इज गोइंग ऑन, एक हम क्रैश कोर्स भी लेके आएंगे। यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10 to 15, 10 से 15 मार्च के बीच में करंट अफेयर का एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा इकोनॉमी का कोर्स भी चल रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं।